हरियाणा के नाम में ही हरियाणवी है। हरियाणी में मतलब समृद्धि। हम देश के सबसे समृद्ध राज्यों में गिने जाते हैं, फिर चाहे बात खेतीबाड़ी की हो या फिर उद्योग धंधों की। अब एक नई समृद्धि आ रही है यहाँ स्पोर्ट्स चैंपियंस की। लेकिन छोरों से कहीं ज्यादा मेडल छोरियों ने जीते यहाँ, वो भी क्यों ना। हमारी पहली सांस ही अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। वो हरियाणा की छोरियां अंग्रेजी में कहते हैं ना बोन सिनर होती हैं। एथलीट्स डोंट जस्ट फाइट देयर राइवल्स, दे बैटल देमसेल्व्स, सर्कमस्टेंसेस एंड डाउट्स। Winners are those who stay the course and continue to move forward despite the hurdles. Ritu Fogat is such a warrior. A medalist in both the Wrestling World Championships and Asian Championships, she now takes her considerable talents to another pursuit of excellence. New arena, new fight, but the same old confidence. MMA में जाने का मेन रीजन कि मुझे कुछ अलग करना, कुछ हटके करना है। Change, both in life and in sport, is never easy. This is the path Ritu has chosen to walk as she swaps wrestling for mixed martial arts. Ritu was born into wrestling. Her father is renowned wrestling coach Mahavi Fogat. Her sisters Gita and Babita are wrestling champions. Her cousin Vinish is an Asian Games gold medalist. But Ritu's story is not just about wrestling. For her, it's about finding her own identity and leaving her own mark on the world. It's a story of setbacks, success, despair, hope, and the will to never give up. हरियाणा के अंदर लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और औरतों को ज्यादातर घूंघट में ही रखते थे और उनको सिर्फ चूल्हा चौका तक ही उनको सीमित मानते थे कि बस घर की रसोई तक ही महिलाएं जो हैं वो वहाँ तक ही सीमित हैं, उससे आगे नहीं जा सकती और घर से बाहर नहीं निकल सकती। रितु पैदा होने से पहले भी मम्मी चाहती थी कि लड़का हो, बट पापा ने हमेशा यही कहा कि मेरी बेटियों से ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन पापा के सामने मम्मी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, बट वो पीछे से अपनी प्रार्थना वो करती थी और भगवान से मांग। मेरी दादी जी भी ओबियसली लड़के बेटे की दुआ करती थी। भाई तू गीता बबीता हो या पाछा भी मेरा नहीं हो, भाई एक लड़का हो जा, एक लड़का हो जा। माइक का भी था, भाई लड़का नहीं है तो उसका क्या है। सभी यही चाहती थी कि मुझे लड़का हो, क्या पता उनकी सोचती हैं कि ये प्रभु ऋषि को आगे बढ़ाएगा, ये हमारी सेवा करेगा। लेकिन पापा ने ये चीज़ कभी दिमाग में नहीं आई कि मुझे लड़का हो लड़की। पापा को जब लड़की हुई तब भी बहुत खुशी हुई। अभी मम्मी खुद ही बोलती हैं कि ऐसे लड़की हो तो तुम्हारी जैसी हो। और लड़का लड़की में क्या भेद, पहले तो था मेरे भी लड़का हो फ्री मेरे को सोच लड़का लड़की लड़की बढ़िया है। जिस घर में लड़की नहीं है तो वो नर्क है। लड़की तो माँ बाप के लिए भगवान है। बहुत शरारती थी रितु बचपन से ही। वो हमेशा कोई ना कोई तोड़ फोड़ कुछ ना कुछ रखती थी। बहुत ही मतलब एक्टिव बहुत ज़्यादा थी। किसी का थप्पड़ मार दिया, किसी के चट्टू मार दिया, किसी के साथ कुश्ती करना, किसी ने गिरना, किसी ने पटकना, ये क्रिया करती थी। हमने स्टार्ट मतलब 6 या 7 साल की उम्र में कर दी थी। ज़्यादा प्रेशर नहीं था उस टाइम पे मेरे पे, जितना गीता और बबीता पे ज़्यादा प्रेशर था। उस टाइम पे पापा का ज़्यादा फोकस नहीं था मेरे पे। तो जैसे जैसे उनके मेडल आते गए गीता बबीता के, मेरी भी एज हो गई मतलब कैडिट में, उस टाइम पे पापा का फोकस हो गया। मेरी उम्र हो गई होगी 13 या 14 साल, मैं उस कैटेगरी में आ गई थी कि मैं लड़ सकती हूँ। उससे पहले मेरी वेट कैटेगरी भी नहीं थी और एज भी नहीं थी, तो इतना फोकस नहीं था। लेकिन जब जैसे जैसे 14 साल की हुई तो मेरी वेट कैटेगरी आई, तो पापा ने उस चीज़ पे फोकस दे दिया। हमारी ट्रेनिंग सुबह 4 से 7 और फिर शाम को वहीं 4 से 7:30
पापा ट्रेनिंग के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि उनसे कुछ कह भी नहीं सकते थे अगर हमारे चोट वगैरह लग जाती थी। पता था कि अगर हम कुछ कहेंगे तो पापा उस चीज़ को नहीं मानेंगे। अगर हमारे हाथ में चोट लग गई तो वो कभी रेस्ट नहीं देते थे, यही बोलते थे कि अगर हाथ में चोट है दोनों पैर ठीक हैं, एक हाथ ठीक है, एक हाथ की कर लो, दोनों पैरों की कर लो। तो कभी कुछ हो जाता था तो उससे बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी हमारी। मन तो ट्रेनिंग से भागने का बहुत बार किया, लेकिन पापा ही घर में, पापा ही कोच, तो उस चीज़ से दूर भी नहीं भाग सकते थे, चाहकर भी नहीं भाग सकते थे। पापा की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती थी। सबसे पहले सुबह उठकर देखते थे कि बाहर बारिश हो रही है नहीं हो रही, अलार्म बंद कर देते थे। अलार्म नहीं बजाना, उठा नहीं ने। अंदर जो हाल था उसको मैट लगा रखा था, तो अंदर में लाइट वगैरह तो कुछ कुछ होती नहीं ना। इन्वेटर वगैरह लाकर ट्रेनिंग करवाते थे, तो फ्रिज वगैरह को लगाते देते ताकि इन्वेटर की बैटरी बोल जाए, लो हो जाए। काफ़ी जो हरकतें कर देते, मेरे को पता नहीं होता था। मैं फिर ये कहते थे हाँ भाई चलो ठीक है आज रेस्ट कर लो। बहुत बार पकड़े भी गए हैं, बहुत पिटाई, एक की पिटाई नहीं फिर सभी की, कोई किसी का नाम नहीं बताएगा कि किसने सभी की फिर पिटाई, सभी की एक साथ लाइन में खड़ा करके। जो टैलेंट जो रितुम था ना, न तो विनेश में टैलेंट था ना गीता में ना, ये तो बहुत ही टैलेंटेड थी। जो स्टेमिना है वो बहुत अच्छी थी उसकी। दूसरा कि उसके अंदर जो एक खिलाड़ी के अंदर जो एक गुस्सा होना चाहिए ना जीतने का, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। ट्रेनिंग करते हैं उस टाइम जो विनेश है, प्रियंका है, इनको जो रुवा देती थी, इतनी तगड़ी थी कुश्ती के अंदर। क्यों हाथ आ गया तो हाथ को भी, पाथ आ गया तो ये कसूत बहुत ज़्यादा हैवी थी। हमेशा रितु बहुत मेहनती रही है, हम सबसे ज़्यादा मेहनती रितु रही है। अगर विरोधी पहलवान होया ने तो उसको ये सोचती थी मैं इसने कैसे कैसे गिराऊँ कैसे, बस फिल्म जाती थी। जिस तरह जो बिल्ली नहीं होती, बिल्ली जो कुत्ता जो बिल्ली लड़ाई देखी हो आपने, देखो अड़की होती है लेकिन कुत्ता को फिल्म जाती है वो, तो इसकी ये थी विरोधी के खिलाफ इतना गुस्सा होता था इसका, भाई इसका मैं क्या कर दूँ, इसको मैं कैसे नीचे गिर, बस एक ही सोच रहेगी कैसे इसको हराऊँ मैं। अगर कोई पॉइंट ले जाता था या कोई उसको चित कर लेता था, उसको गुस्सा आता था, तो फिर वो एक होता है ना कि नो चलाऊँ बंदे को, तो वो वाली उसके अंदर स्पिरिट है कि मैं हार वो देखना पसंद नहीं करती इतनी। बचपन से ही सिखाया गया कि मतलब जीतने के लिए लड़ो, अपना जितना किया है उतना अपना 100% दो। तो वो यही था कि इतनी ट्रेनिंग की है तो जितनी प्रैक्टिस की हमने उसका 100% देंगे तो ऑफकोर्स जीत मिलेगी। हार तो कहीं दिमाग में थी नहीं कि हम कभी हार भी जाएंगे। अरे हार जाती थी तो बड़ा दुख मानती थी, भीतर भीतर अंदर अंदर काफ़ी दुख मानती थी, हार को हार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सबसे पहले तो पापा का ही डर लगता, जब हम हारते थे तो ये थे पापा अभी पापा की पिटाई होगी। एक बार की बात याद है, 2010 में हमारा कैडेट एशिया में सिल्वर मेडल आया था, तो यही था कि घर कैसे जाएंगे, घर जाते ही पापा पिटाई करेंगे। तब घर पे गए नहीं, अंकल के घर पे भिवानी रुक गए थे, लेकिन पापा वहाँ पे हमें लेने आया तो हम डर रहे थे, गाड़ी में बैठ गए चुपचाप। पापा ने फिर जाकर समोसे और गोलगप्पे खिलाए, तब थोड़ा दिल में आया कि हाँ हाँ बच गए, अब कुछ नहीं कहेगा। 2008 की बात है, 30 किलोमीटर गांव पड़ता द्वारका, तो वहाँ जो है गर्मी के मौसम में दंगल कराते हैं, तो वहाँ रितु गई, मैं ले गया था पहली बार। तो जो विरोधी बच्चे थे, मैंने 3-4 कुश्ती लड़वाई थी, इन्हें तीनों चारों कुश्ती के जो लड़के होते थे, तो लड़कों को उसने पछाड़ा। अपने से ज़्यादा उम्र के लड़के से करेंगे तो लोग कहेंगे हाँ भाई एक छोटी सी लड़की ने बड़े लड़के को वो कर दिया, तो वही चीज़ हमें थोड़ा सा मोटिवेट भी करती थी कि हाँ कि लोगों की ज़्यादा तालियां बजेंगे और इनाम भी मिलता था। तब से जो मेरा विश्वास हो गया था भाई जो ना रितु जो कुछ करेगी। मिट्टी में लड़ने का एक अलग ही मज़ा है, वो मैट पे नहीं है, मिट्टी में खेलना, अगर पसीने आ जाए तो फिर मिट्टी लगाना, वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। मैट तो हमारे पास शायद 2009 या 10 में आया है, उससे पहले हम मिट्टी में करते थे, और जब मिट्टी से हम मैट पे जाते थे तो उस चीज़ का थोड़ा वो होता था, मैट पे लड़ने के स्टाइल नहीं पता थी। तो मैट की कुश्ती में और मिट्टी कुश्ती में आसमान और धरती का फर्क, इतना फर्क है। मिट्टी पर कुश्ती स्लो चलती है,
और मैट के ऊपर जो फर्स्ट होती है कुश्ती। जब गीता का फर्स्ट टाइम 2002 में फर्स्ट टाइम कैडिट में जब बाहर से उसका मेडल आया, तो जब उसके न्यूज में आया, जब उसका गांव में उसका स्वागत हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ उसको लेके आए, फूलों की माला पहनाई, तो बस वही चीज़ दिमाग में रहती थी कि हाँ मुझे भी मतलब अखबार में आना है, मुझे भी इनकी तरह, मुझे भी लोग ऐसे ही स्वागत करेंगे, सभी मतलब सबकी नज़र मेरे पे होगी। जब ये चीज़ देखी तो फिर उसके बाद माइंड थोड़ा चेंज हो गया कि हाँ अभी पूरे सीरियस के साथ करना है और जोक भी करना है, इसी में करना है। 2009 में मेरा पहला इंटरनेशनल मैच था और वो पुणे में हो रहा था। हम तीन सिस्टर पार्टिसिपेट कर रही थी और तो उसमें हम तीनों का गोल्ड आया था। और रितु ने बेस्ट उसका जो ना रेसिंग का वो अवार्ड मिला था, जो पुणे के नरेश ने जो सबसे अच्छी कुश्ती करी, जो जो विरोधी पहलवान था उसको जो टिकने नहीं दिया इसने। जिस चीज़ के लिए सोच के लगी थी वो उस दिन पूरी हुई, लोग ढोल नगाड़े के साथ सभी, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी और उस वो चीज़ हमें और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी किया कि हाँ कैसे है कि आगे और भी जीतने, फिर ओलंपिक का मेडल आएगा तो तभी पूरा देश, आज तो आसपास के गांव है, एक दिन पूरा देश वो होगा। जब 2010 में गीता बबीता का कॉमनवेल्थ में मेडल आया तो पूरे इंडिया में उनके ज़्यादा उस टाइम पे ज़्यादा वो हो गई कि गीता बबीता हाँ की दो बहनें भी इन्होंने मेडल जीता, तो उसके बाद हमारा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि लोगों को उम्मीद थोड़ी ज़्यादा हो गई कि ये भी उन्हीं की बहन है तो ये भी कुछ करेंगी। जो गीता बाद में जो है सिर्फ ऋतु पर विश्वास था ये ओलंपिक गोल्ड मेडल लेगी, लेकिन जब गीता ने ओलंपिक के लिए 2012 में क्वालिफाई किया तो उसके बाद ये थे कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, तो उस टाइम पे ये नहीं था कि मुझे ओलंपिक में जाना है, फिर उस टाइम पे ये हो गया कि मुझे ओलंपिक से मेडल लेके ही आना है। Only those who have the courage to fight become champions. Ritu's eyes were set on heights not even reached by her successful sisters Gita and Babita. Her aim was to win an Olympic medal in wrestling. Gold in 2016 at the Commonwealth Wrestling Championship set her on a steady path towards her ultimate goal. Around the same time, a movie based on her family's wrestling success was released, starring Bollywood A-lister Aamir Khan. The film was a hit that broke multiple records. Dongal's success made the Fogats a household name. But Ritu's character was the shadow behind the dazzling success of her sisters. It was obvious to her that she needed to set out and forge her own identity. पापा का एक सपना है कि ओलंपिक में मेडल गोल्ड लेके आना, तो वो अभी अधूरा है। अगर यही है दिमाग में कि मैं कुछ अलग करूं, ओलंपिक में मेडल लेके आऊं, तो दंगल 2 बनेगी हम पे, यही था कि दिमाग में दंगल 2 बनानी है। Winning silver at the under 23 World Wrestling Championship in 2017 took Ritu another step towards her goal. But those plans were to be undone by those closest to her. Family is usually the strength of all athletes, but ironically, it became Ritu's weakness. It was another prodigious talent, also trained by her father, that would be her biggest challenge. Vinesh Fogat. Vinesh and Ritu were in the same weight, but Vinesh se jab haar jati thi to Ritu bahut gussa usko aata tha ki kya karu jisse main jeet paun, क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत वो झोंक रही थी मेहनत के अंदर, उससे अगर दो टाइम मेहनत की कहती वो तीन टाइम करती थी, उससे तो ज़्यादा ही प्रैक्टिस करती थी, तो थोड़ा बहुत होता था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही। विनेश उससे एक तो थोड़ा वेट में हैवी पड़ती थी और थोड़ा सा टेक्निकली उससे हैवी पड़ती थी, बट रितु थी वो टक्कर देती थी पूरी, वेट कम था थोड़ी सी, उससे पावर कम थी बट उसका स्टेमिना था वो विनेश से कहीं ना कहीं ऊपर था। देखती थी मेरे में क्या कमी है, क्यों मैं इसे जीत नहीं पा रही, तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा वो वर्क करती थी।
रितु विनेश तो हार जाया करती, तो ये रितु दो तीन बार हार गई, तो ये मायूस हो जाया करती। एक दिन दो दिन के लिए वो मायूस होती थी, लेकिन फिर उसी मेहनत और वही परफॉर्मेंस, वही जुनून के साथ फिर वो फिर लग जाती। कितनी बार भी हारी हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो 54 से 48 लेके आती थी और मेरा वेट 47-46 रहता था। तो यही था कि अगर मेरा वजन बढ़ जाए तो मैं इसको अच्छे से चैलेंज कर सकूं, इसको अच्छे से कम्पीट कर सकूं। जो खाती थी ने, वो जो ना जितना ताकत बने, शरीर में ताकत बने, वो ताकत बनी नहीं इसके अंदर। जो खाया वो जीव का जो हजम नहीं हुआ, नहीं लगता नहीं था, खाया पिया इसका लगता नहीं था। मैंने वेट बढ़ाने की कोशिश की थी, ये नहीं कि किसी और, क्योंकि ऊपर वाले में बबीता थी। मैं वेट इसलिए बढ़ा रही थी कि कम से कम इसके जितना वेट तो हो कि मैं इससे लड़ सकूँ, इससे क्योंकि मेरे में पावर ऑटोमेटिकली, अगर वेट कम होगा तो पावर भी कम होगी उस चीज़ से। 20-20 हज़ार की दवाई भी लाया, जो इसने बताया भी ये आप इसको खिलाओ, ये कराओ, मैंने सारी चीज़ कोशिश करी, लेकिन इसका वजन जो वजन नहीं बढ़ा इसका, नहीं तो कुश्ती के अंदर इससे बढ़िया ना तो गीता थी, ना विनेश थी, ना कोई भी नहीं थी। ना विनेश को एक बार इंजरी हो गई थी और रितु खेलने गई थी उस कॉम्पिटिशन में, और रितु की वर्ल्ड के अंदर जो परफॉर्मेंस थी वो बेस्ट थी, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज की बाउट हार गई थी, बट वो जीतते जीतते ही वो बाउट हारी। तो बहुत एक पहला ही मौका था और उसमें भी इतना अच्छा उसने परफॉर्म किया था। अगर वो उस वेट कैटेगरी में अगर अपनी जगह बना पाती तो मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं उसकी वो जो मेडल की जो जीत की जो अलाश है वो कहीं ना कहीं पूरी हो पाती है। मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं ओलंपिक में जाऊँ और देश के लिए मेडल लेके आऊँ। जब मैंने ओलंपिक का टैटू बनाया तो यही था कि अगर कभी अगर दिमाग में कुछ वो आ जाए तो मैं इस चीज़ को देख के थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेट हूँ, और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ, और मैं करती भी थी। In 2018, Vinesh won gold at both the Commonwealth and Asian Games. Although she was happy for her cousin, Ritu's Olympic dream began to disappear as they both competed in the same weight category. Unable to resolve her dilemma, Ritu sought a different goal. अगर ये डिसीजन उसने लिया है तो भी उसने बहुत सोच समझ के लिया है, और बहुत सोच समझ के लिया है तो हमने भी उसको सपोर्ट किया कि जो करना है बेस्ट करना है, वरना करना ही नहीं है। पहली बार परिवार से, बहनों से, सबसे दूर, फिर वहाँ पे खाने का भी एडजस्ट नहीं था, स्टार्ट में कैसे कुछ होगा, तो वो चीज़ काफ़ी मिस की। और स्टार्टिंग में तो मन भी नहीं लगा कि नहीं पहली बार इतनी दूर, फिर दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है कुछ करना है तो ये चीज़ करनी पड़ेगी, फिर धीरे 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 वो चीज़ सेटल हो गई। मेरी मिक्स मार्शल आर्ट के लिए मैं सिंगापुर गई, तो मुझे याद है मेरा पहला ट्रेनिंग सेशन था, मोइथाई का था, तो वहाँ पे मुझे अच्छे से मेरी लेग नहीं चल रही थी, लेकिन वहाँ पे कोच ने देख के मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तू कुछ कर सकती है, तू बन सकती है वर्ल्ड चैम्पियन। तू रेसलिंग का मिक्स मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर मैं बात कहूँ तो मिक्स मार्शल आर्ट में जो टॉप के 10 जो टॉप के फाइटर हैं उनमें 7 रेसलर हैं जो रेसलिंग से मिक्स मार्शल आर्ट में गए हैं। मेरा गोल यही है कि मैं इंडिया की पहली फाइटर बनूँ जो देश के लिए बेल्ट लेके आई। उसका सपना जो ओलंपिक का था वो उसने MMA के अंदर उसने देखा, वो ये है कि वर्ल्ड चैम्पियन बनना बहुत बड़ी बात। और मैं तो कहूँगी रितु अगर वर्ल्ड चैम्पियन बनती है MMA के अंदर तो रितु का कहीं ना कहीं सपना पूरा होगा। इसमें जो ये हारेगी नहीं, मेरा चैलेंज है अगर अब की बार जो कोई ऐसी रह चुकी तो 2 साल मेहनत करने के बाद मुझे दुनिया की ही हारेगी नहीं, मेरा चैलेंज है। हमें उस पर इतना भरोसा है कि वो एक मंजिल को पाएगी जरूर, चाहे वो कभी भी पाए लेकिन पाएगी जरूर।